इतना है कि मैं जब जॉब कर रहा हूँ तो मैं आपसे भी पेटीएम की ईएमआई पे कर देता हूँ, बाकी किसी की नहीं करता बस, और किसी की नहीं कर रहा हूँ ना। मैं मनी पे कर रहा हूँ, ना नावी की कर रहा हूँ, ना रिंग की कर रहा हूँ, ना मोबिक की कर रहा हूँ, ना स्लाइस की कर रहा हूँ, स्लाइस की भी नहीं कर रहा हूँ। जब होंगे तब देंगे, अभी तो मेरा कोई मूल नहीं है देने का इनको, ये दिक्कत है। चलिए चलिए तो ठीक है तब। हाँ हाँ सर, ठीक है तब, ठीक ठीक है जी। तो ये नबी एप्लीकेशन से लोन लिए थे और मनी व्यू से भी लिए हैं और स्लाइस मनी से भी लिए हैं और रिंग एप्लीकेशन से भी लिए हैं, इन तीनों से लोन लिए हैं। मतलब कि अभी इनके पास पैसा नहीं है तो रिपेमेंट यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं और रिकवरी एजेंट इनको इनके घर आने के लिए मतलब कि नोटिस पर नोटिस, मैसेज, जीमेल जो भी है इन पर भेजे जा रहा है, लेकिन इन नोटिस का किसी का भी ये जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये बता भी रहे थे कि रिकवरी एजेंट काफी मतलब कि बदतमीजी से भी बात हमसे की और हमने उनको धमकाया डराया, लेकिन अभी भी मतलब कि घर पर यहाँ पर विजिट नहीं किया, क्योंकि अब मेन बात ये है कि गांव में ऊपर से जाना है और शहर का कोई कुछ और बात रहता है, गांव का कुछ और बात रहता है। वो भी भली भांति जानता है और वो भी इंसान है, वो भी सोशली जुड़ा है, तो वो भी जान रहा है कि शहर का लोग कैसे होते हैं, गाँव का लोग कैसे होते हैं। तो ज्यादा गांव में मतलब कि चलबाजी नहीं करता है सब, ज्यादा चलबाजी यहाँ पर शहर के लोगों के साथ करता है। वो जानता है कि शहर में कितना भी ये रहे लेकिन कोई आपको बचाने वाला नहीं है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी भाई साहब, आ रही है आवाज। हाँ हाँ बताइए बताइए। मैं कह रहा था भाई, मेरा जेब ज्यादा दिखा रहा है। अच्छा, मेरा फोन हो गया था चोरी और उसके बाद मेरे फोन लेने का बजट नहीं बना। अब इस चक्कर में फोन नंबर भी मेरा वो बंद था। तो अब उसको मैं मैसेज रहा, मैं कह रहा अब मैं उसको भर दूंगा कि फोन लिया था अभी, अब उसमें जा रहा है 9,000 दिखा दिए, बताना। तो अब बताओ क्या सॉल्यूशन है, कौन सा एप्लीकेशन है ये? एक तो सर ये वाला है मोबीक्विक। मोबीक्विक है कितना का? पहले रिकवरी से कोई राजेश बोल रहा हूँ, इसका कॉल आया, मैंने पिक ही नहीं किया, फिर इसका कॉल आया था। अच्छा कॉल आया था आज? तो कॉल आया था, मैंने पिक ही नहीं किया, पिक नहीं करता हूँ कॉल। अच्छा तो फिर इसने ये नोटिस बना के भेजा है, मेरे को तो पता था कि ये फेक ही है वैसे तो। तो फिर भी मैंने रिसीव नहीं किया, क्योंकि मेरा जहाँ मैं काम कुम करता हूँ वो एड्रेस है, मेरा परमानेंट एड्रेस कुछ और है, तो ये कंफ्यूज रहेंगे, खुद ही कंफ्यूज रहेंगे, पता ही चलेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं। यही आपको भेजा मैंने इसलिए। तो ये आने के लिए भेजा है ना, आपके घर पर विजिट करने के लिए? पता नहीं मेरे को नोटिस भेजा है इसने, क्या होगा आगे, मैं फोन ही रिसीव किया इसका। अच्छा, एक दिन फोन रिसीव किया था तो बदतमीजी से बात कर रहा था, फिर मैंने भी गाली गुली कर दी, कह रहा मैं आता हूँ तेरे पास पेमेंट लेने आता हूँ। मैंने कहा तू आएगा तो मैं तेरे को यहीं पे बांध के रख लूंगा, तू आ तो सही इधर। तो मैंने भी थोड़ा उस दिन इसको सुनाया, फिर उसका मैंने फोन ही नहीं उठाया, मैंने कहा क्या इससे डेली डेली वो आर्गुमेंट करनी, जब पैसे होंगे तब देंगे, अभी है ही नहीं मेरे पास। ये नाभी का है ना? ये नाभी का। अच्छा हाँ, अभी नाभी का भी, मनी व्यू का भी उठा नहीं रहा हूँ मैं, रिंग का भी चल रहा, रिंग का तो खैर आना बंद हो गया, वो गूगल पे पे अपना लिंक भेजते हैं पेमेंट करो, मैं करता ही नहीं हूँ। तो रिकवरी एजेंट का फोन आता होगा ना, रिंग का भी कि नहीं आता है? वो रिंग का अभी नहीं आता है, पहले आता था, मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ, तो उनका कोई व्हाट्सएप में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, इनका ज्यादा आता है नाभी वालों का। स्लाइस का है, मनी व्यू का है, और एक इसका था, एक मोबिक का है। अच्छा, इतने लोन ले रखे हैं मेरे से, थोड़ी कंडीशन अभी नहीं है देने की, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। बस चल रहा है अभी ऐसा ही। तो चलिए देखिए, ठीक है, ये सही इग्नोर करते रहिए, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, वही आपको केवल धमकी उमकी दे सकता है और क्या देख सकता है। नहीं आ भी जाएगा मेरे से क्या बात करेगा, आए तो सही, बदतमीजी से बात करेगा तो मार खा के जाएगा, से बात करेगा पैसे सुन के जाएगा, बस अपना तो सीधा फंडा है, मेरा पैसा तो है नहीं, क्या लेके जाएगा मेरे से। हाँ, ये भी है सीधी बात है, घर में बदतमीजी करेगा तो मैं तो बोलूंगा ना, मेरे माँ बहनों के सामने गालियां दे रहा तो मैंने मार दी इसको। सही बात है। तो ऐसे करेंगे ना, प्यार से मोहब्बत से बात करेगा तो प्यार मोहब्बत चलते रहेंगे,
लास्ट में तो सेटलमेंट ही होगी, हम 20-30% में सेटलमेंट करेंगे और क्या। अब मेरा इसका ज्यादा लोन भी नहीं ना बिका था, मेन बस मनी व्यू का ही है, मनी व्यू का है 52,000 रुपए है उसका। अच्छा अच्छा, मनी व्यू का 52,000 है, मेन उसी का है, जब होंगे तो देख भी जाएगा, अभी तो है नहीं पैसे पूसे। इसका कितना है, नावी का कितना है? नावी का तो कम ही है, इसका तो 13-14 हजार है। इसका 13-14, इसका तो मुझे भी पता है, ये खाली कर रहे हैं, आएगा कोई नहीं इनका। और आएंगे भी तो यार उधर भैया ऐसा है ना, विलेज का एरिया है मेरा, मैं तो कौन आएगा वहाँ पे। वो भी सही बात है, विलेज में जल्दी विजिट नहीं करना चाहता है, आएगा ही नहीं ना विलेज में, इतनी दूर आएगा उत्तराखंड कहाँ सोचते हुए रहते हैं, फिर वहाँ पे लोग वारना इकट्ठे हो जाए, उसको भी डर है ना इधर आने का। सही बात है, ये भी बात है ना। हाँ ये भी सही बात है, सिटी में होता है ना लोकल आदमी को भेज दिया, विलेज में लोकल आदमी को भेजेगा वो ज्यादातर अपने घर के आदमी या नॉन भी निकलेगा वो आदमी जिसको भेजेगा। सिटी में होता है कि मतलब आप किसी दूसरी सिटी में रह रहे हो, आपको वहाँ के इतने लोग नहीं जानते, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, विलेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। विलेज में सब लोग अपने को जानते हैं, तो सब लोग को करने के तो कोई क्या कर लेगा आगे। ये आप किसी सिटी में न्यू हो तो दिक्कत आ जाती है ना, फिर सिटी में कोई मदद नहीं ना करता है, आप रोड पे पिटते रह जाइएगा सब कुछ देखते रह जाएगा। सिटी में ये है ना, वो कहता है किसी का मैटर में मैं क्यों इंटरफेयर करूँ। सही बात है, विलेज में ये होगा कि कोई बाहर का आदमी कहेगा मेरे घर के आदमी को कैसे बोला इसको, मारे पालो मेरे गांव में कैसे आकर रंगबाजी कर लिया, मेरे गली में कैसे आकर रंगबाजी कर लिया, ये सब हो जाती है गांव में। गांव में तो नहीं आने वाले, ये लोग आएंगे तो फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ वो भी है, वो भी यही है कि बस लोग घर वालों को पता लगेगा कि हाँ लोन लोन लिए, पैसे खराब किए जी। बस एंड ऑफ द डे तो यही है। नोटिस ये फेक बना के भेज रहे हैं ना वैसे, सही है ये सारा चीज फेक है, कोई यहाँ पर मतलब कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब फेक है नोटिस इसका। लीगल का चल रहा है ना आपका? हाँ हाँ, देखिए लीगल नाम का तो कोई चीज नहीं होती है, लीगल नाम की कोई चीज नहीं होती है, केवल आपको डराने के लिए सब भेजते रहता है। मैं तो इतनी टेंशन इसकी ले नहीं रहा हूँ, मैं आपको सही बात बोलूंगा, मैं इसकी कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ, इसको तो उस दिन इसका कोई एजेंट मेरे से बात कर रहा था, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी होगी उसकी। तो बोल रहा था मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैंने कहा तू आ तो सही और इसी टोन में मेरे साथ बात करना, तेरे को मैं तब बताऊंगा तेरे को कैसे पेमेंट देता हूँ मैं। मैंने कहा तू जिस टोन में मेरे साथ बात कर रहा है तो इसी टोन में मेरे सामने आके मेरे सामने ये बात बोलना, तू तेरे को मैंने कहा वापस जाने नहीं दूंगा मैं यहाँ से। तो नहीं जाने देगा तो कह रहा मैं देखता हूँ अभी आता हूँ, मैंने कहा आ मेरा एड्रेस लिख दो। इसको भी मैंने धमकिया धमकिया दी, फिर वो भी नहीं, उसका बाद उसके दूसरे एजेंट का फोन आना शुरू हो गया, फिर मैंने इग्नोर ही किया वैसे तो। ये बात है, चलिए और सब ठीक है ना? और सब बढ़िया दोस्त, चलिए तो ऐसे ही इग्नोर करते रहिए, ठीक है? जब सेटलमेंट के बारी आएगा तो आप सेटलमेंट कराइएगा। सेटलमेंट तो मैं अभी मेरा मूड नहीं है, अभी 1.5 साल तक इनका मेरे को पता है ना, मेरा टाइट है अभी। 1.5 साल तक तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, 1.5 साल तक आज तक तब तक तो आपको भूल जाएगा, कंपनी भूल जाएगी आपको। ये है कि मेरा सिविल इन्होंने सालों ने खराब थोड़ा कर दिया, सिविल खराब कर देगा सिविल, लेकिन 1.5 साल के बाद करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, उसके बाद तो वो एप्लीकेशन आपको लोन नहीं देगी। नहीं ऐसा था ना, मेरे पास दो थे क्रेडिट कार्ड, ठीक है, आईसीआई बैंक के और आरबीएल बैंक का। अच्छा, तो उन दोनों की लिमिट है मेरी 90,000 रुपए। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी आईसीआई की ड्यू होती है तो मैं आरबीएल का कार्ड स्वाइप करके दोनों को चलाता रहता हूँ आपस में, ठीक है, वो जब जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे मैं क्लियर कर दूंगा। अब मैंने मेन ले लिया पेटीएम से लोन, वो मैंने पेटीएम से ले लिया, पेटीएम से 1,65,000 का लोन लिया मैंने, उसी 24 EMI है उसकी, मेन है क्योंकि बड़ा अमाउंट है उसका। तो मेरी जॉब में सिर्फ इतना है कि मैं जब जॉब कर रहा हूँ तो मैं आपसे भी पेटीएम की ईएमआई पे कर देता हूँ, बाकी किसी की नहीं करता। बस और किसी की नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मनी भी क्यों कर रहा हूँ, ना नावी की कर रहा हूँ, ना रिंग की कर रहा हूँ, ना मोबिक की कर रहा हूँ, ना स्लाइस की कर रहा हूँ, स्लाइस की भी नहीं कर रहा हूँ। जब होंगे तब देंगे, अभी मेरा कोई मूल नहीं है देने का इनको। ये दिक्कत है। चलिए चलिए तो ठीक है तब। हाँ हाँ सर, ठीक है तब, ठीक ठीक है जी। तो ये नवी एप्लीकेशन से लोन लिए थे और मनी व्यू से भी लिए हैं और स्लाइस मनी से भी लिए हैं और रिंग एप्लीकेशन से भी लिए हैं, इन तीनों से लोन लिए हैं, मतलब कि
अभी इनके पास पैसा नहीं है तो रिपेमेंट यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, और रिकवरी एजेंट इनको इनके घर आने के लिए मतलब कि नोटिस पे नोटिस, मैसेज, जीमेल जो भी है इन पर भेजे जा रहा है, लेकिन इन नोटिस का किसी का भी ये जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये बता भी रहे थे कि रिकवरी एजेंट काफी मतलब कि बदतमीजी से भी बात हमसे की, और हमने उनको धमकाया डराया, लेकिन अभी भी मतलब कि घर पर यहाँ पर विजिट नहीं किया, क्योंकि अब मेन बात ये है कि गांव में ऊपर से जाना है और शहर का कोई कुछ और बात रहता है, गांव का कुछ और बात रहता है। वो भी भली भांति जानता है, और वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो भी सोशली जुड़ा है, तो वो भी जान रहा है कि शहर का लोग कैसे होते हैं, गांव का लोग कैसे होते हैं। तो ज़्यादा गांव में मतलब कि चलबाजी नहीं करता है सब, ज़्यादा चलबाजी यहाँ पर शहर के लोगों के साथ करता है। वो जानता है कि शहर में कितना भी ये रहे लेकिन कोई आपको बचाने वाला नहीं है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी भाई साहब, आ रही आवाज। हाँ हाँ बताइए बताइए। मैं कह रहा था भाई, मेरा 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 जिप ज्यादा दिखा रहा है। अच्छा, मेरा फोन हुआ था चोरी, और उसके बाद मेरे फोन लेने का बजट नहीं बना। और इस चक्कर में फोन नंबर भी मेरा वो बंद था। तो अब उसको मैं सोच रहा, अब मैं कह रहा, अब मैं उसको भर दिया फोन लिया था अभी, उसमें 9,000 दिखा दिए, बताना। तो अब बताओ क्या सॉल्यूशन है? कौन सा एप्लीकेशन है ये? एक तो सर ये वाला है मोबीक्विक। मोबीक्विक है? कितना का, इसमें कितना का लोन था? इसमें सर लोन नहीं था, मेरा जीके वॉलेट था मेरा, मैंने 991 यूज किए थे, मेरे 1,000 रुपए थे उस टाइम। मेरा फोन हो गया चोर, फोन चोरी हो गया था मेरा, तो फोन अरे फोन फोन चोरी हो गया था। अब मैंने फोन नंबर मैंने यूज लेने करवाया था, फिर अब उसका फोन लिया मैंने, अब इसमें पता नहीं 999 यूज किया थे, उसमें 9,000 दिखा दिए। अच्छा, ड्यू जो लगा कर 9,000, कितना दिन हुआ ये? ये सर सर कम से कम साल भर हुआ है, क्योंकि सर फोन लेने का वो नहीं था मेरे पास, सोर्स नहीं था। अब फोन लिया था मैंने। तो सर ये प्रॉब्लम है। तो लेकिन आप मतलब कि वो तो फोन नंबर भी भूल गए होंगे ना, जो चोरी हुआ फोन नंबर भी भूल गए होंगे? फोन नंबर वो ले लिया मैंने, लड़वा लिया फोन नंबर। अच्छा, वही फोन नंबर मिल गया? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही फोन साइन अप हुए होंगे तो 9,000 दिखा रहा है। यस। लेकिन आपका सिविल बिल डाउन कर दिया होगा, फोन कॉल आता होगा ना उधर, खूब आ रहा होगा, लेकिन अब आते आते सिविल के उसके। अच्छा अच्छा, रिकवरी एजेंट का फोन कॉल आता है कि नहीं? नहीं, रिकवरी का नहीं आता, बस फोन आता ही नहीं है, बस मोबी क्विक क्या आता है अगर कोई से भर दीजिए, बस उससे फिर बात नहीं होता। हाँ जी, तो वही है कि देखिए, तो वो तो NBFC आपका तो सिविल डाउन करेगा, ऊपर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, एक साल में 9,000 ना? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऊपर से बढ़ा दिया है, और ऊपर से उसका रिपेमेंट करना कोई भी मतलब ये नहीं है, बेवकूफी होगा। हाँ, तो सर क्या सॉल्यूशन है सर? अब उसका यही सॉल्यूशन है, सिविल अपना बढ़ाना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड इशू आपको ये करवाना होगा। अच्छा, या नो EMI कॉस्ट पर कोई भी सामान खरीद कर टाइम पर रिपेमेंट कर दीजिएगा, तो आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। तो मतलब सर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? इसका क्या सॉल्यूशन, मतलब कि पैसा घटाने के लिए? हाँ सर, अगर वेवियर मिल जाता तो वो, अब रिकवरी एजेंट आपको बताएगा सेटलमेंट कितना पर करना है, बात है कि नहीं? और सर हाँ, एक सॉल्यूशन होता सर, मेरे फ्रेंड था सर, एम पॉकेट से लिया था, अब उसका सर डिले हो गया, तो उसका क्या सॉल्यूशन हुआ? कितना दिन हुआ सर उसके? कम 7 महीने हो गए कम से कम। कितना बढ़ा दिया है? बढ़ा दिया सर, मतलब सर 7 के 14 हो गए उसके, डबल बढ़ा, एक मतलब कि 1 महीना में 1,000। हाँ डबल हो गए। नहीं तो बोल दीजिए उससे सेटलमेंट कराने के लिए, ठीक है? जब भी कोई भी रिकवरी एजेंट बात करता है तो बोलिए सेटलमेंट कराने के लिए, उतना हमारे पास पैसा नहीं है, अब इतना दिन हो गया कैसे हम पैसा दे इतना। अच्छा, तो इसका सेटलमेंट कराइए, नहीं तो फुल रिपेमेंट करने का कोई भी मतलब की नहीं बनता है, फुल रिपेमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है इसका। बताओ अगर सर फुल रिपेमेंट अगर मैं नहीं करूं, अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो सर इससे तो मेरा सिविल डाउन हो जाएगा? आपका तो सिविल तो पहले ही डाउन हो गया होगा, अब क्या डाउन होगा, वो तो पहले ही डाउन हो गया है। 757 था, 620 हो गया। हाँ, अब उससे ज्यादा नहीं गिरेगा, एक अब
केवल 100 गिरता है, समझ गए? अच्छा, 100 गिरता है बस? हाँ, उससे ज्यादा नहीं गिरता है। अब सोच रहे हैं कि गिरते जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, 100 से ज्यादा गिरा नहीं पाता है, सबसे ज्यादा 100, उससे ज्यादा नहीं गिराता है। बस खाली मतलब जो जो भी एप्लीकेशन है खाली वो 100 गिरा सकता है बस? बस 100 गिरा सकता है। अब सर अगर सर मैं अपना स्कोर बढ़ाना चाहूँ तो मैं फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका यही है कि मान लीजिए 9 MA कोर्स पर कहीं से भी सामान मिल रहा है, दुकान पर सामान मिल रहा है या फ्लिपकार्ट पर कहीं भी, कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज कर मतलब कि आप सिविल बढ़ा सकते हैं। सर मेरे पास तो कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। तो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा शिपमेंट चल रहा है, आपका एज कितना होगा अभी? 21 साल हो गया, तो बजाज फिनसर आपको आसानी से बन जाएगा। पर सर वहाँ में तो सर वो मांगते हैं ना, वो क्या मांगता है? वो तो सिविल मांगते हैं ना वो? नहीं तो सिविल मांगता है तो मतलब कि सबसे पहले सिविल उठाइए, यहाँ से स्नैपमिंट से उठाइए सिविल, ठीक है, स्नैपमिंट से। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा सर, मतलब इसको मैं कैसे उठाऊंगा, ये चीज समझ में नहीं आ रहा। स्नैपमिंट है केवल, आप इसमें लॉगिन हो जाइए और क्या है इसमें फ्यूचर की, और पैन कार्ड आधार कार्ड डालने के बाद मतलब कि आप डाउन पेमेंट दीजिए, ठीक है, इसमें डाउन पेमेंट देना होता है। मान लीजिए कितना के सामान है, डाउन पेमेंट दीजिए और 9 MA कॉस्ट पर सामान देता है, टाइम पे टाइम भी पेमेंट कर दीजिए, आपका सिविल स्कोर उठ जाएगा 3 महीने में। अच्छा अच्छा सर, ये वाला जो बजाज फाइनेंस है? ना ना, स्नैपमिंट। स्नैपमिंट सर मैं देखता हूँ, एक कौन सी प्ले स्टोर मिल जाएगी? हाँ प्ले स्टोर में है, फाइनेंशियल कंपनी है, प्ले स्टोर मिल जाएगी। स्पेलिंग बोलना सर, स्पेलिंग ये है हरा कलर का आपको होगा, इसने SNAPFINT SNAP लिखिए ना, केवल ASP SNAP लिखिए ना। NAS नहीं मिला आपको? NAS एस डाउन नोट कीजिए अभी, एस एस ए नहीं बोल रहे हैं, एस केवल बोल रहे हैं, SNAP स्नैप लिखिए ना आप। अच्छा स्नैप, हाँ स्नैप लिख दिया। हाँ उसके बाद मिंट लिख दीजिए, MINT स्नैप मिंट। हाँ सर हरा कलर का आ गया। हाँ तो इसी को इंस्टॉल कर लीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड मिलेगा, आप साइन अप हो जाइए मांगेगा तो। हाँ उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है सब चीज अवेलेबल है इस पर। अगर सर बेसिकली मैं डाउन है मतलब इसमें एक वो रीपेमेंट कर दो और टाइम पे भरते रहो। हाँ डाउन पेमेंट देखिए, कोई भी सामान का डाउन पेमेंट देकर टाइम पर रीपेमेंट आप करते रहिए महीने टू महीने। अच्छा नो कॉस्ट EMI पे? हाँ हाँ, छोटा मेरा सिविल बढ़ जाएगा। सिविल बढ़ जाएगा सर, बाद में कोई इससे कोई उससे उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी? ना ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, देखता हूँ। सर आप मेरे ना एक बार अपना फोन नंबर दे दोगे मेरे को? ठीक है भेज देंगे इसी पर सर, प्लीज इसी पे भेज दें। ठीक इंस्टा पे भेज देना। ठीक है ठीक है ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो इनको इनका सिविल डाउन हो गया था, तो सिविल के लिए हम बता रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पूरा कंप्लीट यहाँ पर सुने होंगे, तो आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, कितना मिनट का भी वीडियो हो, आधा घंटा का वीडियो हो या एक घंटा का वीडियो हो। हाँ भाई बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी अनुराग भाई बोल रहे हैं? हाँ हाँ मोहित बोल रहे हैं, बताइए। हाँ जी भाई, मैं तो कई बार कोशिश कर चुका भाई आपसे बात करने की। भैया मैं ये बोल रहा था कि मेरा ये एम पॉकेट का और इसका रिंग का दोनों का ड्यू है। एम पॉकेट रिंग एप्लीकेशन का? जी। अच्छा तो भैया रिंग का तो एजेंट भी आ गया 2 बार घर पर। और अब एम पॉकेट वाला भी बोल रहा है। भैया थोड़ा उस बारे में पता करना था मुझे यार, मैं कुछ ऐसा चाह रहा था जो एजेंट ना विजिट करे बार बार घर पे। तो आपका अर्बन एरिया में है कि रूरल एरिया में है, शहर में है कि गांव में है आपका? नहीं मेरा तो गांव में ही है। अच्छा टावर भी रिकवरी एजेंट आ गए वहां पर ना? हाँ 2 बार आ चुके। तो रिंग का आ चुका, एम पॉकेट का कॉल आ रहा बार बार, बोल रहे हैं कि वो भी आएगा। तो वही क्या करते हैं रिकवरी, कितना का लोन था सबसे पहले बताइए? सर ज्यादा नहीं है इसका तो, रिंग का तो 4 है और सर एम पॉकेट का तो 2 ही है सर। रिंग का केवल 4 है, एम पॉकेट का 2 है?
हाँ जी इतना ही पर रिकवरी एजेंट आ गए हैं ना। हाँ हाँ जी हाँ। तो क्या है कि देखिए आपके एरिया में मतलब कि ये हैंड ओवर कर देता है थर्ड पार्टी को, कितना महीना हुआ ही है लोन लिए हुए? दोनों वो हो गए, रिंग को तो काफी टाइम हो गया। कितना हो गया कम से कम? रिंग को होने वाला है सर लगभग 1 साल। 1 साल होने वाला है। आई एम पॉकेट का? एम पॉकेट का 90 दिन से ऊपर हो गया सर। अच्छा इसका 90 दिन से ऊपर हो गया। 95 दिन के आसपास। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट भी कॉल करता होगा ना? नहीं सर उस चीज की टेंशन नहीं है सर, क्योंकि वो मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट में आधे वो फर्जी है मेरे। रिंग वाला करता होगा? नहीं रिंग वाले ने नहीं की अभी तक। अच्छा अच्छा एम पॉकेट ने की थी वो भी रेफरेंस। कितना अभी ड्यूज कितना बढ़ा दिया है? है जी ड्यूज कितना लगा दिया है? 4000 से वो पहुंच गया 6700 कुछ। अच्छा 6700 एक साल में ना? हाँ जी हाँ। तो आप पर तो कम ही ड्यूज लगाया है, 4000 लोन आया था ना आप में? हाँ जी हाँ। हाँ तो आप पर तो कम ही ड्यूज लगाया, 2700 लगाया यही ना? हाँ जी। बाकी में तो 18000 किसी में 20000 किसी में। ये क्या करता है जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ये करते क्या है कि देखिए केवल ये करते हैं कि आप में कुछ और ड्यूज बढ़ाएं और किसी और में और ड्यूज बढ़ाएं। आप में मान लीजिए 50 बढ़ा रहे हैं ना, तो किसी और में 100 बढ़ा देंगे, किसी में 150 किसी में 200। सबको एक भाव जैसा नहीं रहता है, जैसे नहीं रहता है कि सबको एक भाव जैसा। कंपनी का नियम है कि इतना परसेंट बढ़ेगा तो इतना ही परसेंट बढ़ेगा। ये करता क्या है इसलिए ऐसा करता है, मान लीजिए कोई अपने बारे में बताएगा भी कि इतना बढ़ा रहा है तो दूसरे बोल देगा कि नहीं इतना नहीं बढ़ता है, हम में केवल इतना ही बढ़ता है। लोग मतलब कि आपस में डिबेटे करते रह जाए, कोई भी इनके खिलाफ में कंप्लेन ना करे, इसीलिए ऐसा करता है सब। तो यही है इसका। आप में तो कम ही मतलब कि है, 2700 बढ़ाया है, तो इसे बोलिए सेटलमेंट। सेटलमेंट तो नहीं करेगा, बोलिए कि 5000 या 6000 देंगे, उतने में शांत हो जाओ। नहीं सर तो देना पड़ता है क्या सर इनका, ये देना पड़ेगा? हाँ तो एनबीएफसी आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा सर। वो तो हो चुका अब। नहीं तो ड्यूज के साथ दे दीजिएगा तो आपका सिविल सुधर जाएगा। नहीं सर ऐसे तो मैं देना नहीं चाह रहा सर, अभी इस टाइम मेरी कंडीशन है नहीं ना। जब तक था तो मैंने दिया सर इनका, हर बार दिया मैंने, हर बार रिफंड किया, अभी तो विद इंटरेस्ट दिया सर इनका मैंने। 4-5 बार दिया है, 4-5 बार लिया है, मगर इस बार सर दिक्कत चल रही थोड़ी। तो सर इस वजह से वो हो रहा है। तो वही एक साल में तो आपका सिविल डाउन कर दिया, लेकिन आप इससे ज्यादा सिविल नहीं गिरेगा। एक एप्लीकेशन केवल 100 सिविल गिराते हैं। और गिराएंगे ना? अब नहीं गिरेगा उतना ही पर, अब रुक गया आपका। कितना हो गया अभी आपसे जी? अभी कितना हो गया गिरकर जी? आवाज नहीं आ रही आप। हाँ बोलिए जी। अब तो बहुत कम हो गया सर। कम से कम पहले कितना था? पहले तो सर 800 कुछ था जब शुरू में। हाँ 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 हाँ। अभी तो सर 600 से नीचे जाने वाला है। कितना जाता है सर मिनिमम डाउन, ये बता सकते हो आप? तो देखिए एम पॉकेट से भी लिए है ना, 100 वो गिराया 100 ये गिराया, हो नहीं गया सर? गिरान तो सर इस टाइम मेरे, मैं सर कंडीशन में नहीं हूँ ना सर इसमें, इस वजह से मैं तो क्रेडिट स्कोर की चिंता कर ही नहीं रहा सर। ये बात है सर। अब वो है कि ड्यूज के साथ रिपेमेंट कर दीजिएगा तो आपका सिविल बढ़ा देगा, सब बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, यही रहता है एनबीएफसी एप्लीकेशन का। जी हाँ वो तो है। सर दिक्कत उससे हो रही सर, बार बार एजेंट जो विजिट कर रहा घर पे। वो तो जाहिर से बात है कि मतलब कि किसी का भी एजेंट आते ही आते हैं। एम पॉकेट का भी आएगा सर? उसका भी आ जाता है, उसका भी आता है, उसका भी आता है। ये जितना किस्त है, रिंग है, एम पॉकेट, स्टेसफिन, ब्रांच, रूफीलो, ये सब जितना है सबका एजेंट आते हैं। और जितना बड़े बड़े एप्लीकेशन आते हैं वो सबका जल्दी एजेंट नहीं आते, इसका जल्दी एजेंट आते हैं। तो सर इसका कितने दिनों बाद आ जाएगा एम पॉकेट का? अब देखिए एक साल पे आया तो एम पॉकेट अभी नहीं आएगा, आपको तो धमकी दे रहा है ना, लेकिन अभी आएगा नहीं। 2 महीने और 2 महीने हो जाएगा ना, उसके बाद आप
आप पर ज्यादा और धमकी देना स्टार्ट कर देगा। 5 महीने पूरे हो जाते हैं ना तब धमकी देना और स्टार्ट कर देता है। अगर सर हमें रेंट को भी ना दें तो सर क्या करेंगे फिर ये लोग? वही नहीं दीजिएगा तो आपके घर पर आएगा और आएगा जाएगा आएगा वही करता है, 2-3 बार आएगा जाएगा यही करेगा और क्या करेगा। 2-3 बार तो आ चुका ना सर वो। अब थोड़े नहीं आएगा। अब मतलब मैक्सिमम कितनी बार आ सकते हैं सर? 2-3 बार, उससे ज्यादा नहीं आता है। तो सर 2 बार तो आ चुका सर इनका तो। हाँ हाँ, तो मान लीजिए 1 बार आएगा तो उसके बाद अब नहीं आएगा, समझ जाएगा कि वो देगा नहीं, समझ गया है? उसी का टाइम उसमें पास होगा, ऊपर से उसका खर्चा भी जा रहा है, आने जाने में खर्चा नहीं है। हाँ सर ये बात तो है सर, इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है जो वो रोज मेरे यहाँ बैठे रहे। वही ना, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, ऊपर से आएगा उतना पेट्रोल जड़ेगा, खर्चा है ऊपर से गांव से शहर गांव से शहर, पेट्रोल भी चला जाएगा। मैंने तो पूछा था सर उनसे कहाँ से आते हो आप, तो वो सर मेरे यहाँ से रहता कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर, वहां से आता। अब कहीं से भी आ रहा है लेकिन शहर से आ रहा है, जहाँ अर्बन एरिया वहाँ फाइनेंस कंपनी है, वहीं से थर्ड पार्टी वाले आ रहे हैं। थर्ड पार्टी वाले होते हैं सर ये? सब थर्ड पार्टी वाला होता है। तो सर इनका इनसे वो सेट इनका वो रहता कमीशन? हाँ हाँ कमीशन मिलता है इनका। पता करना चाह रहा था आपसे कि अगर इनसे इनके साथ कुछ ऐसा ना हो कि मेरे घर एजेंट विजिट ना करे सर, अभी थोड़े दिन के लिए बस 2-3 महीने के लिए। क्या बोल रहे हैं? मैं सर ये पता करना चाह रहा था आपसे कि 3-4 महीने मेरे घर एजेंट विजिट ना करे तो सर मैं फिर कर दूंगा इनका जो आप बता रहा हूँ, मैं सेटलमेंट ही कर दूंगा इनका। हाँ तो वो उन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है? उनसे जितना आप डर कर बात कीजिएगा तो उतना ही ज्यादा चांस बनता है कि आपके घर पर आएंगे। नहीं सर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कहा आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे ही मतलब कि इग्नोर करते रहिए, ठीक है? कॉल मैसेज को इग्नोर करते रहिए बस। 3-4 महीने से तो पहले अब आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार तो आकर चला गया। अभी सर पिछली बार 22 तारीख को आया था, तो अभी इसी पास 22 को बोल रहा था आने को, ये जो 22 आएगी। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है आएगा नहीं आएगा? हमको तो नहीं लग रहा है आएगा, क्योंकि 2 बार तो आकर चला गया, अब इधर नहीं आएगा, महीने हो जाएगा तो आ सकता है। हाँ ये बात भी है। सर मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने लोकल में विजिट नहीं करेंगे, इस वजह से मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस टाइम पे इस वजह से मैंने किया नहीं था, और अब सब फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत चल रही है, वरना मैंने पहले इनका सब क्लियर कर रखा था सर। ये दिक्कत हो गई थोड़ी सी। हाँ तो वही है, ठीक है। चलिए ठीक है ना सर। और सर एक ये जो है एम पॉकेट वाले, एम पॉकेट वाला अभी नहीं आएगा, 2 महीने बाद आएगा। ठीक है सर यही पता कर रहा था। चलिए ठीक है, बाकी रिंग का नहीं आएगा है ना? ना रिंग का नहीं आएगा इस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ठीक। तो चलिए रिंग एप्लीकेशन और मतलब की एप्लीकेशन से लोन लिए थे तो उसी के बारे में मतलब पूछ रहे थे कि कब आएंगे रिकवरी एजेंट, कब नहीं आएंगे, तो वही इनको बता दिए। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखते रहिए और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नीचे लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर दीजिए, उस पर रिकवरी एजेंट का कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो और जो भी है आपका इन्फॉर्मेशन के लिए सारा कुछ उस पर मतलब कि हम अपलोड करते रहेंगे, जो यूट्यूब पर नहीं अपलोड कर पाएंगे क्योंकि। हाँ भाई बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही सर। हाँ हाँ बताइए। हाँ सर वो मतलब एम पॉकेट से लोन लिया था मैंने 6 साल का। तो उसकी भी ड्यू डेट को 2-3 मंथ हो गए, बट क्या है ना अभी जॉब मिल नहीं है इसलिए मैं पे भी नहीं कर पाया। वो कॉल करके मतलब कुछ भी बोलते हैं और नोटिस भी भेजते हैं वो मेल पे या व्हाट्सएप वगैरह पे। हाँ तो मैंने व्हाट्सएप तो बंद कर दिया मेरा अभी। हाँ बट फिर भी कॉल तो करते रहते हैं डेली। हाँ तो वही ना, तो इसलिए मैं डर रहा हूँ थोड़ा क्या होगा या नहीं होगा अभी। देखिए वो नोटिस वोटिस जितना रहता है वो सब मतलब कि फेक रहता है, ठीक है ना? वो सब फेक रहता है, केवल आपको डराने के लिए धमकाने के लिए पब्लिक को नोटिस ऐसे ही भेजा जाता है। लेकिन नोटिस से कुछ होता होता नहीं है। नहीं वही कुछ रहा मैं, और वो मतलब बोल रहे कि घर को कॉल नहीं करना चाहिए ना वैसे। कॉन्टेक्ट लिस्ट तो कॉल करता है सब, जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है सब कॉन्टेक्ट लिस्ट कॉल करते हैं।
मतलब जो नंबर दिया है उसी पे करता है या मतलब हमें सारे नंबर? नहीं नहीं देखिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट पूरा आपका हैक कर लेता है जब आप लोन लेते हैं ना, हाँ उसी टाइम पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक कर लेता है और बारी बारी से कॉल करता है। हाँ क्या? नहीं अभी तक तो नहीं किया है वैसे कुछ भी मतलब। नहीं तो अभी नहीं किया है लेकिन करता है सब। कितना लोगों को पे कर दिया है? कुछ लोगों को किया है, 2-3 लोगों को जो मतलब मैंने नंबर उसके अलावा नहीं किया है। नहीं तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर करेगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर करेगा तो उसके लिए यही है कि मान लीजिए कॉल करता है तो आप स्टोरी लगा सकते हैं, हाँ मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया, यहाँ पर कोई गलत मैसेज आता है तो उसका रिस्पॉन्स आप ना दें, ऐसे कर कर आप स्टोरी लगाइएगा। मान लीजिए कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करेगा तो आपको तो कोई बताएगा ही कि हमारे हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आया था आपके थ्रू, तो आप बता दीजिएगा कि मोबाइल हैक हो चुका है तो वही हैकर भेजा होगा। वो मतलब आरबीआई की मतलब एनबीएफसी है ना, तो उन्होंने कॉल नहीं करना चाहिए ना ऐसे? उनको कॉल नहीं करना चाहिए, आरबीआई तो खुद बोला, आरबीआई तो पहले ही से नियम है, ऊपर से इधर भी देखें कि बोला गया, रूल बनाया गया कि रिकवरी एजेंट कोई भी धमकी नहीं देंगे, जबरन वसूली नहीं करेंगे और कॉन्टेक्ट लिस्ट पर, तब पर भी कहां मान रहा है सब, कर रहा है सब अभी भी। हाँ वही ना, फिर अभी तो मतलब और ज्यादा भी नहीं ना, 5-6 हजार के लिए भी वो कॉल करते हैं। हाँ हाँ 5-6 हजार के लिए भी कॉल करता है, 2 हजार भी दे दिया तब पर भी कॉल कर रहा है सब कॉन्टेक्ट लिस्ट पर। हाँ नहीं हम मतलब देने तो वाले हैं बट थोड़ा टाइम मैंने मांगा था उनसे, वो भी बोल रहे हैं टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ी चलता है ना। हाँ वो ही ना, वो सब समझना चाहिए कंपनी को, कोई भी कंपनी खुला है तो टाइम देना चाहिए उतना। हाँ बिल्कुल ना, अगर मतलब जॉब होता तो कोई भी मतलब दे देता ना, रखता क्यों कोई भी, ऐसा है ना। सही बात है सही बात है। हाँ तो मैंने उनसे वही पूछा तो वो बोल रहे नहीं है, पैसे एडजस्ट करो, अगर एडजस्ट होता तो आदमी पहले ही दे देता ना उनको। अभी तो मतलब जॉब भी नहीं है ना इसलिए दे नहीं पा रहा हूँ मैं उनको। उन्होंने तो सिविल तो डाउन किया है मेरा अभी, तो बोल रहे मतलब बाकी भी मतलब